हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ पीके बैक अगेन विद एन अनदर वीडियो फॉर रीनो काइगर। अब रीनो काइगर को चलाते हुए मेरे को हो गया 1.25 साल के आसपास और मैंने ये 12,500 या 600 किलोमीटर टोटली चला दी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली के लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ये शेयर किया जाए कि मेरे को क्या चैलेंजेस आए या क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या नेगेटिव्स जो मैंने ऑब्जर्व किए। तो ऐसे 5 जो नेगेटिव पॉइंट्स या बैड पॉइंट्स या फिर उनको बोलो कि माय ऑब्जर्वेशन, वो सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं किसी यूज़र के लिए, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोई भी अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो मेरे चैनल पर जा सकता है, बहुत सारे वीडियो जो मैंने रीनो काइगर से रिलेटेड बनाए हैं वो देख सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकता है और शेयर कर सकता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, गाड़ी में जब चलते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया और वो ज़्यादातर सारे यूज़र्स जो भी हैं रीनो काइगर के उनको पता होगा, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे बड़ा और नेगेटिव पॉइंट्स जो है इस गाड़ी का है भाई, ये इसके एसी वेंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि एसी की कूलिंग, तो एसी की कूलिंग उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हम सोचते हैं। मतलब हम, क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक और गाड़ी है शेवरले की एंजॉय, तो उसका कूलिंग बहुत ही इम्पैक्टफुल है। मतलब चलाओ और विद इन अ मिनट और दो मिनट में पूरा चिल कर देता है, वो 7 सीटर है। बट कंसीडरिंग द विथ, हाइट और लेंथ और जो सीटिंग कैपेसिटी देख के, यानी 5 सीटर को कंसीडर करते हुए, तो इसकी जो है एसी कूलिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे तो पसंद नहीं आई। मतलब एसी चलाओ तो बहुत ही लेट ठंडा करता है। ये तो पहला एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है, और अगर आपको भी लगता है तो कमेंट में ज़रूर करके बताना। भाई, दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसका है सीट बेल्ट की, जो ये प्लेस करने की, जब सीट बेल्ट बांधोगे उसको हुक करोगे तो ये हुक थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में है, और ये कोई भी नया यूज़र, जैसे मैं तो अभी से चलाते हुए 1.25 साल हो गए, तो मैं इसे ईजिली लगा सकता हूँ। देखो यहाँ पर जैसी है, ये बहुत डीप है, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। तो ये मुझे अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भाई ये कमेंट ना करे कि ये भाई ली क्यों गाड़ी अगर इतनी प्रॉब्लम है, तो भाई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है। बट अभी हम बात कर रहे हैं इसके जो जो चैलेंजेस मेरे को आए और नेगेटिव्स मुझे लगते हैं या बैड पॉइंट मुझे लगते हैं, तो उस बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई, 2 पॉइंट हो गए। पहला ये एसी जो है कूलिंग बहुत कम करता है, उतना नहीं है, मतलब बहुत लेट जाके होगा, 30 मिनट्स में आके ठंडा करने लगेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं भाई, उसके लिए रियर सीट में हमें जाना होगा, तो रियर सीट में चलते हैं। जब रियर सीट में जाने से पहले आप थोड़ा गाड़ी का स्टांस देख लो और गाड़ी का विंडो एरिया देख लो आप। तो गाड़ी का जो विंडो एरिया है, ये वाला रियर सीट से अगर विंडो एरिया देखें हम, यहाँ से अगर ये वाला भी देखें, तो ये विंडो एरिया बहुत छोटा है, और ये पीछे भी ऐसे कूपे डिज़ाइन में इसका जो है रियर मिरर है, तो इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। जितने भी यूज़र या मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो बैठते हैं मेरे साथ पीछे जब मैं ड्राइविंग करता हूँ, तो वो ये बोलते हैं, यार कहते हैं कि पीछे थोड़ा वॉमिट वॉमिट सा फील हो रहा है, घुटन घुटन सी फीलिंग हो रही है। तो ये उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई ऐसा भी होता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, क्योंकि मेरे साथ जितने भी बंदे बैठे उन सब ने मुझे यही शेयर किया कि यार क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, जब भी पीछे बैठते हैं मज़ा नहीं आता, मतलब पीछे ऐसा लगता है घुटन घुटन सी। तो भाई, एक तो ये चैलेंज है, और एक चैलेंज मैं और आपको बता देता हूँ यहीं से आगे ना जाते हुए। भाई, इसमें जो है ये वाला पिलर देख रहे हो आप, ए पिलर नज़र आ रहा होगा आपको, ए पिलर के साथ साथ आपको मिरर का, मैं आपको उसी सीट पे जाके बताता हूँ। देखो, ये ए पिलर है और ये इन्होंने एक प्लास्टिक दी हुई है इसको, इधर अगर मिरर दे देते तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब आप टर्न लेते हो तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट आता ही आता है, तो ब्लाइंड स्पॉट का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। जब आप राइट टर्न लेते हो या लेफ्ट टर्न लेते हो तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है भाई। अब एक और जो चैलेंज जो मैंने फेस किया और वो आप सभी फेस कर रहे हो, वो है भाई इसकी हेडलाइट का थ्रो। अब इसकी हेडलाइट का थ्रो के साथ चैलेंज क्या है, अगर आप इसे 70-80 की स्पीड में मेंटेन कर रहे हो, क्रूज कर रहे हो, तब तो इसका थ्रो बहुत सही है, क्योंकि इसकी जो प्लेसमेंट है, टेक्निकली गाड़ियों में जो हेडलाइट की प्लेसमेंट यहाँ होती है, फॉग लैम्प की प्लेसमेंट यहाँ होती है, बट रीनो वालों ने थोड़ा स्मार्ट गेम प्ले किया, इन्होंने जो है हेडलाइट की प्लेसमेंट जो है उन्होंने बीच में रखी,
ताकि फॉग लैम्प की जरूरत ना पड़े, बट इनका थ्रो उतना नहीं रखा जितना इसको चाहिए था। तो एक तो इसका जो थ्रो है वो 70 टू 80 की स्पीड तक तो अच्छा है, बट अगर आप हाई स्पीड पे क्रूज कर रहे हो 100 या 100 से ऊपर तो आपको जो है विजिबिलिटी में बहुत दिक्कत आती है। तो विजिबिलिटी में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, कहते हैं कि आप जो है अच्छी तरह से जज नहीं कर पाओगे सामने वाली गाड़ी को। छोटे मोटे निगल्स हैं, जैसे कि इसके इलेक्ट्रॉनिक फेलियर बीच बीच में हो गए मेरे साथ। इलेक्ट्रॉनिक फेलियर में क्या हुआ भाई, इसका एक पावर स्विच है जो ये वाला पावर विंडो ड्राइवर साइड वाला काम नहीं करता, कभी कभी नहीं करता, फिर अपने आप सही हो जाता है। और थोड़ी सी रैटलिंग नॉइस मुझे इस डोर से आ रही है, बहुत ही कम, वो भी तब जब मैं इसे थोड़े ऑफ रोडिंग पैच में ले जाता हूँ तब आती है, अदरवाइज वैसे इसमें ऑफ रोडिंग करो तो यानी प्लेन रोड पे चलाओ तो रैटलिंग नॉइज नहीं आती। तो एक रैटलिंग नॉइज की दिक्कत मुझे आ रही है, कोई रीनो यूजर अगर उसको भी आ रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई ये थे 4-5 पॉइंट जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में मतलब रियलाइज़ किए, कहते हैं कि ये चैलेंज आ रहे थे रीनो काइकर के यूज़र्स को, हो सकता है उनको ये ना आ रहे हों, बट मुझे जो आ रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना प्यार इसी तरह बना के रखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।